अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारे बटेर को मुर्गी ने मारा था, जिसकी वजह से उसकी टांग टूट गई थी। तो उसकी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करी, माशाल्लाह से वो काफ़ी बेहतर हो गया, लेकिन उसकी टांग बिल्कुल अलग हुई थी। क्योंकि टांग टूटी थी रान की तरफ से, अगर जोर से टूटती तो हो सकता है हम कुछ कर सकते थे। अब वो गोश्त जो इसका नीला नीला सा पड़ने लग गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में, लेकिन अब उसका क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा। कोई काट भी नहीं सकता क्योंकि वो हैवी इतना सा, और काटते हुए सबको डर लग रहा है हम लोग में से। तो अब देखते हैं उसका क्या करना है, और बाकी आज थोड़े बहुत काम है वो भी साथ साथ करते रहते और आपको दिखाते भी रहते। तो दोस्तों, ये रहा वो बटेर, और देखें इसकी टांग आपको दिख रही होगी बिल्कुल अलग हुई थी, और इस तरह इधर उधर हो रही झूला झूली टांग बिल्कुल। अब इसको कहते हुए भी डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि इसके दर्द वगैरह तो कम हो गया, क्योंकि माशाल्लाह से दाना वाना सही से खा पी रहा है। कोई देखें सब जो ये ज़ख्म, ये बिल्कुल इस तरह का हो गया। अब इसका हम करें क्या, ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। या तो फिर इसको काट देते हैं, या तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ें, क्योंकि अभी इसके दर्द तो कम है। जिस तरह मतलब ये घूम रहा है एक टांग पे, इधर उधर हो रहा, दाना भी माशाल्लाह से खा रहा है बिल्कुल सही है, लेकिन बस इसकी एक टांग का ही मसला हो गया। और मुर्गी को हमने उसी वक्त इसको मुर्गे के साथ छोड़ दिया था, क्योंकि दूसरे मुर्गों को बच्चों को मार की चूजों को बटेर को वापसी इसके केज में छोड़ देता हूँ, ताकि ये अपने सुकून से बैठा हुआ रहे। तो दोस्तों, आज सबसे पहले खोलते हैं चूजों को, ताकि चूजे थोड़ा सा घूम ले, भात दाना वगैरह खा लें, बाकी फिर दूसरा काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, माशाल्लाह से चूजे भी अलग रह के अपनी माँ से बिल्कुल एक्टिव है, कोई भी बीमार नहीं हो रहा, इसी वजह से हमने इसको अलग किया था। तो दोस्तों, इस बटेर को मैंने पकड़ लिया, ब्लैक वाले बटेर हैं ये, थोड़े से ज़्यादा उड़ते हैं, ब्राउन वाले ये देखिए अभी भी उड़ के ही नीचे जाएगा, चले गए नीचे। एक बटेर अभी भी अंदर ही, देखिए माशाल्लाह से चूजे बिल्कुल फिट है, और जो थोड़े सुस्त हुए थे वो भी माशाल्लाह से सही हो गए। मुर्गी से अलग करने का एक फ़ायदा तो ये हुआ है कि अब चूजे जो है बीमार नहीं हो रहे हमारे, और इनको दवाई वगैरह भी साथ साथ दे रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि दवाई नहीं दे रहे हो। तो उस वाले बटेर को भी बाहर निकाल रहा हूँ, ताकि वो भी इनके साथ थोड़ा सा घूम ले और दाना वगैरह खा ले। तो दोस्तों, सारे बटेर भी बाहर आ गए, और भाई बोल रहा था कि आज वाला बटेर जो जिसकी टांग टूटी वो भी इनके साथ छोड़ देता है, ताकि ये कि थोड़ा सा इनके साथ मिलजुल कर रहे। ये देखिए दोस्तों, ये चूजा खुद ही मेरे हाथ पे आगे बैठा, और क्या कहते हैं ये माशाल्लाह से डरता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा चूजा है हमारा। बस ये है कि अल्लाह करे ये सारे चूजे बड़े हो जाए, सर्वाइव कर जाए, क्योंकि अब आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं और हमारा सेटअप भी छत पे, तो इंशाल्लाह इनकी कोई सेटिंग करेंगे जिसकी वजह से यहाँ ठंड से बचे हुए रहे चूजे हमारे, और ये मुर्गा मुर्गी भी। और आपको मुर्गा उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा हमारा, क्योंकि माशाल्लाह मुझे तो बहुत पसंद आया है। और हमारे आबिद भाई का फिर एक दफ़ा बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ हमारे सेटअप पर भेजी। और वो देखें बटेर, वो इस तरह अपने उसमें बैठा हुआ प्याले में, कि उसको थोड़ी सी चलने में इतनी परेशानी हो रही होती, आप देख सकते हैं वो मतलब इस तरह एक पाँव से चलने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ऐसा हो सकता है उसकी आदत बन जाए एक पाँव से चलने की, क्योंकि बहुत से परिंदे ऐसे होते हैं जो एक पाँव से ही चल रहे होते हैं, जिनका एक पाँव नहीं होता है टूट जाता है। तो इंशाल्लाह वो बटेर सही हो जाएगा अभी, क्योंकि उसको ज़बा करते हुए भी डर लग रहा है, क्योंकि इतनी सी वो जान है, और कोई भी छुरी फेरेगा उस पर तो नहीं फेर पाएगा, इस वजह से उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। बाकी उसको आज ये है कि इन्हीं बटेरों के साथ छोड़ देंगे, चूजों के साथ छोड़ देंगे, फिर जैसा भी होगा तो इनके साथ सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, आपने देखा होगा ये चूजों ने दाना खा लिया, अभी माशाल्लाह से अपने केज की तरफ जा रहे हैं दाना खा के अपना। एक बटेर बस यहाँ पे घूम रहा हमारा, इसको भी पकड़ के इसको अंदर कर देता, और जो वो बटेर मैंने आपको बताया था वो भी इन्हीं के साथ छोड़ देता। और बाकी मुर्गा मुर्गी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं बाहर आने के लिए, तो फिर इनको खोलते हैं, ताकि ये भी बाहर आके दाना वगैरह खा लें। देखिए एक बटेर वहाँ पर घर रहा नहीं, तो दोस्तों पहले अपने बड़े वाले मुर्गा मुर्गी खोलते हैं, ताकि ये बाहर घूम लें दाना वगैरह खा लें। Thank you.
समझूंगा थोड़े दिनों में कुड़प्पन भी ख़त्म हो जाएगा, तो इंशाल्लाह फिर ये ब्रीड करेगी दोबारा। और बाकी अभी जो मेरी एक ख्वाहिश थी कि सारे परिंदे साथ खोलें, अभी तो नहीं खोल सकते क्योंकि सब एक दूसरे लड़ते हैं, आपने देखा ही होगा कि इस मुर्गी ने बेचारे बटेर का क्या हाल किया। तो इंशाल्लाह इसके बच्चे आएंगे तो फिर सबको साथ खोला करेंगे, सबसे नहीं इनकी फैमिली को साथ खोला करेंगे, ताकि ये कि ये अपने बच्चों के साथ रहे और खाना वगैरह खाए। उसके बाद इंशाल्लाह और बर्ड्स भी हमें लाने, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता लाते रहेंगे और आप भी खुश होते रहेंगे वीडियो देख के, और हम भी इंशाल्लाह ये अपना सेटअप देख के खुश होते रहेंगे। दोस्तों हमारे बड़े मुर्गा मुर्गी ने दाना खा लिया था, मुर्गा चले गए केज में, अब मैंने इनको खोल दिया। जब तक ये दाना खाते रहेंगे हम एक काम और कर लेते हैं कि हमारे जो लव बर्ड की मटकी निकाली थी हमने वो लगा देते हैं, क्योंकि एक की तो फीमेल मर गई है जो आपने पहले वीडियो में देख लिया होगा, और जो एक पैर है तो कम से कम उससे ब्रीड लेते हैं, क्या पता वो ब्रीड कर ले। जो एक मेल है वो नीचे वाले केज में छोड़ देते हैं, उसको अलग कर देंगे क्योंकि वो अकेला ही है, और उसको मैं सोच रहा हूँ कि भाईजन को अपने वापसी दे दूँ, क्योंकि यहाँ पे अकेले रहेगा, हमारे पास फीमेल है नहीं एक्स्ट्रा। और वो देखें मुर्गा वो उससे जाके लड़ रहा है अभी बड़े वाले मुर्गे से, तो इसको मैं हटाता हूँ, देखता हूँ जाली फाड़ के वो मुर्गा बाहर आ जाए और इसको फिर मार दे। तो दोस्तों ये है तो इतना सा, लेकिन ये कि है बिल्कुल अपनी माँ जैसा, इसकी ज़्यादा था देखे लड़ने की। देखिए दाना भी खा रहा तो आधा मेरे हाथ में काट रहा और आधे तक ये दाना खा रहा है। तो ये कि बचपन से पला हुआ है घर में, तो इस वजह से इसकी आदत है थोड़ी करीब आने की, वरना अक्सर मुर्गा मुर्गी डर रहा था। और आज फिर मैं बताना भूल गया कि वो बड़ा मुर्गा जो है वो हमारा शेरू है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मेरी मम्मी ने देख के उसका नाम शेरू रख दिया था, तो अब हम उसको शेरू, तो शेरू को बंद कर दिया, अब ये कि छोटा मुर्गा मुर्गी खुलेगा। अगर इनका भी नाम को समझ में आया तो इनका भी नाम हम इंशाल्लाह रख देंगे। तो दोस्तों लपट की मटकी हम इसमें लगा रहे हैं, इसमें थोड़ा बहुत जो हमारे पास टेस्टिंग मटेरियल है ये भी डाल देते, और बाकी इसमें पहले कोपेक्स पाउडर डाल देते ताकि चूटियाँ वगैरह नहीं लगे, क्योंकि अभी मैंने बुरादा निकाला था इसमें थोड़ी बहुत चूटियाँ निकली थी, तो चूटियों का पाउडर डाल देना चाहिए ताकि इसमें मटकी के अंदर चूटियाँ ना जाए, चूटियाँ जाती है तो फिर परिंदे भी डिस्टर्ब होते हैं और बाकी बच्चे वगैरह निकलते हैं ना, उसमें ही मसला होता मटेरियल। वैसे भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता ताकि वो अपनी सेटिंग में शुरू करते रहें और बाकी नेस्टिंग वो अपने हिसाब से कर लें, लेकिन ये कि इसमें डाल के रखना पड़ता वरना वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, और फिर बस वो तिनके उठाते हैं ले आते हैं फिर वापसी निकालते हैं ले आते हैं। तो उससे बेहतर ये होता है कि पहले से इनकी सेटिंग करके नेस्टिंग मटेरियल इसमें डाल दें मटकी में, ताकि अपनी सेटिंग फिर खुद कर लें बस। तो दोस्तों मटकी बिल्कुल तैयार हो चुकी है लवबर्ड की, ये आप देख लें इसमें नेस्टिंग मटेरियल वगैरह लगा के नेस्ट बना दिया इसका, अब इसको लगाते हैं इसके केज में। तो दोस्तों जिसकी फीमेल मरी है वो ये वाला मेल है, और ये वाला पेड़ है हमारे पास पूरा जो बच्चे थे, और माशाल्लाह से अभी ये एडल्ट हो चुके हैं, तो हो सकता है ब्रीड जल्दी कर ले। ये वाला मेल है जिसको हम अलग कर दे रहे हैं, अभी सोचा तो यही है, बाकी पहले मटकी लगाते हैं उसके बाद देखते हैं कि अगर ये लड़ते नहीं है और ये मेल इनको डिस्टर्ब नहीं करता तो फिर इसके साथ देने देंगे, वरना फिर इसको अलग कर देंगे। दोस्तों आपने देखा होगा लवबर्ड की मटकी लग चुकी है, अब ये कि बटेर को मैंने कहा था उधर शिफ्ट करने का, तो इसको भी उधर शिफ्ट कर देता हूँ उन बटेरों के साथ, ताकि थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए और जो इसकी बोझे थे वो भी ख़त्म हो, और उसके पाँव वगैरह का अब क्या करना है ये तो देखते हैं। मैंने आपको कहा कि इसको इसकी हाल भी छोड़ देते हैं, इंशाल्लाह खुद ही सही हो जाएगा, खुद ही इसकी आदत रहेगी एक पाँव में चलने की, लेकिन बस एक पाँव जिसका मुड़ा हुआ है अब इसके थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी फिक्र हो रही है कि अब इसका क्या करना चाहिए। अब हमारे सेटअप में सब पैर बने हुए, बस अब एक ही लवबर्ड का मेल अकेला हो गया, उसकी फीमेल थी वो अब अकेला हुआ, और इसका बेचारे का पार्टनर अभी तक के कोई साथ आया ही हमारे मिसी चूजे का, ये शुरू से अकेला है, या भी ये कि इंशाल्लाह इसका भी एक पार्टनर ले आएंगे साथ, ताकि ये भी पैर बना ले। और अभी तो खैर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है, अब माशाल्लाह ये कुछ टाइम में फिर ये मुर्गी है ये भी अंडे देने लग जाएगी फीमेल, जब इसका मेल आ जाएगा साथ, तो इंशाल्लाह इसका भी मेल लेके आ जाएंगे एक दो दिनों में।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। हमारे लबट की मट्टी लग चुकी है, बटेर को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया और बाकी सब परिंदों को दाना पानी वगैरह हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मैं तो आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।